हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और चलिए आज इबू का स्कूल चलते हैं, साथ में आप लोग भी आइए। तो हम लोग आगे निर्मला कॉन्वेंट स्कूल जो कि चेकपोस्ट से थोड़ा आगे है। तो आज मेरी बेटी का रिपोर्ट कार्ड है ना, तो मैंने सेकेंड टर्म एग्ज़ाम का, तो उसी के लिए मैंने हम लोग लेने आए हैं। तो आज ना मैं इतना बिजी थी, मैंने कस्टमर लोग आने वाले थे तो नहीं आ पाऊँगी सोची थी, बट मैंने आने का इच्छा था, बट मैंने ऐसे सिचुएशन हो गया था कि आ ही नहीं पाऊँगी जैसे, बट फाइनली हम लोग आ पाए। और मेरी बेटी का चेहरा में ये खुशी देख के बहुत ही अच्छा लगा। और हम लोग ना मैंने काफ़ी लेट में पहुँचे थे, बट अच्छा जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। यहाँ पे देखिए ये इबू, इसके साथ मैंने नर्सरी बी में है ये, इसका जो फ्रेंड मिल गई। इतना ये लोग मिल रहे हैं कि बहुत दिन से मिले हैं, और नेपाली लोग से थोड़ा इबू मिल जाती है क्योंकि हम लोग फ्लाइट में भी थोड़ा, भले इसका एज का नहीं है बट नेपाली लोग से मिलती है ना तो उसको ज़्यादा मिलने के लिए टाइम नहीं लगता है। तो उसका फ्रेंड और वो मैंने वन बाई वन करेंगे, एक एक जन करके। वो लोग पाला पाली से हो गया, उसका फ्रेंड वहाँ पे उसको मैंने खड़ी होकर देख रही है, उसके बाद उसका फ्रेंड झूलेगी। तो इसे करके काफ़ी दिन अच्छा गुजरा आज का। और लेट जाने का मतलब अच्छा हुआ, इसीलिए अच्छा हुआ क्योंकि हम लोग ज़्यादा टीचर लोग से मिल पाए, ज़्यादा बात कर पाए मेरी बेटी के बारे में वो लोग से। मैंने अभी जल्दी जाने से तो हम लोग बात भी नहीं कर पाते ज़्यादातर। और यहाँ पे भी देखिए लोग कितने अच्छे से खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो काफ़ी अच्छा लगा, लेट गए इसीलिए अच्छा लगा क्योंकि हम लोग बहुत टाइम तक हम लोग रह पाए। और क्योंकि मैंने यहाँ पे देखिए गोल गोल घूमने वाला में भी इबू नर्सरी बी लोग से ज़्यादा फ्रेंड हो गई। अभी एक दिन आके हुए जो वहाँ पे जंप कर रही है ना, उसके साथ भी उसका अच्छा मैंने मिल गई थी, काफ़ी देरी तक खेले दोनों जन। और उसको नाम भी याद आ गया, उसको नर्सरी बी से उसका फ्रेंड हो गया अभी। इसमें यार कब स्कूल खुलेगा, मैंने स्कूल बंद हो के ना बच्चे लोग का बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चा पेरेंट्स सभी को। और मैंने सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये लोग मैंने बहुत कुछ सीख पाएंगे, स्कूल आएंगे तो बहुत कुछ सीख पाएंगे, तो इसके लिए लोग का बहुत ज़्यादा मिस हो जा रहा है। उनको बहुत ख़राब लगता है, अभी कोई चारा भी नहीं है, जो सिचुएशन है उसी के अनुसार रहना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है आने के बाद, क्योंकि इबू को घर जाना ही नहीं है। तो यहाँ पे जो फ्रेंड है वो लोग से साथ में खेल रहे हैं। देखिए अभी ये लोग नर्सरी सी गई है बच्चा लोग, क्योंकि एक दूसरे से मिल के खेल रहे हैं। यहाँ पे टाइम ऑफ करके घंटी भी लग गई है, बट बच्चा लोग को कहाँ जाना है, अभी वो लोग को जाना ही नहीं है। तो खैर सार लोग भी इधर आए कि आप लोग का छुट्टी हो गया बोलने के लिए, तो लोग से भी काफ़ी बात उत हो गया। और पेरेंट्स लोग भी नर्सरी सी का भी बच्चा लोग मैंने बात बात में आए ना, तो लोग से भी दो तीन जन से अच्छा ही हम लोग का पेरेंट्स लोग से भी मीट कर पाए हम लोग, अच्छा खासा बातचीत चल गया, तो अच्छा काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पे इबू को हमको दो तीन राउंड हमको इसको दौड़ा दौड़ा के पकड़ना पड़ा है, उसको जाना ही नहीं है। यहाँ पे देखिए उसको फ़ोटो उठाने के लिए रुका नहीं, उसको फ़ोटो नहीं उठाने, मम्मी छोड़िए तो छोड़िए उसको खेलना है बोल के। तो खैर अभी नहीं, अभी जाना है बेटा बोल के ज़बरदस्ती उसको ले रही हूँ। यहाँ पे भी राजीव बोल रहे थोड़ा फ़ोटो उठाएंगे रुको, तो उसको यहाँ पे फ़ोटो यहाँ पे उठा, मैंने उसको कहीं पे रुकना ही नहीं, इतना सारा जगह देखी ना, तो उसको इतना बड़ा जगह इतना खुला जगह मिल गया तो उसको फ़ोटो नहीं उठाना है। और इबू थोड़ा वो फ़ोटो उठाने में तो इंटरेस्ट नहीं लेती है, मैंने उसको पता नहीं पहले से वैसे ही है, छुप छप से खींच लो तो ठीक है, बट अपने से कि फ़ोटो उठाएंगे रुको तो उसको करना नहीं है। तो यहाँ पे मैं इबू को जैसे तैसे मना करके ले रही हूँ, भेगा सर्कल जाएंगे फिर वहाँ पे शॉपिंग मॉल घुसाएंगे, फिर तुम जंपिंग खेलेगी क्या क्या बोल के फिर उसको ली। तो बहुत मैंने बहुत दिक्कत में उमानी है यहाँ पे, कि फिर भी से उसको देख रही है, घूम के देख रही है, देखिए उसको जाना है फिर से भी यहाँ पे। तो खैर हे गाइस, गुड इवनिंग, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी टाइम हो रहा है 4:45, और अभी मैं दुकान के मैंने कल संडे है ना तो उस तैयारी में लग गई हूँ, और आज सैटरडे है तो मैं इबू का स्कूल गए थे हम लोग रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए, रिजल्ट लेने सेकेंड टर्म एग्ज़ाम का। तो लेट हो गया, मैंने आके इतना फैला के गई थी रूम को, क्योंकि जाने से पहले उसको ड्रेस लगाना ही नहीं था, तो ज़बरदस्ती लगाते मैंने पूरा रूम मैसी होके गए, मैंने ऐसे चले गए थे हम लोग ऐसे ही चले गए थे। तो आने के बाद पूरा रूम वूम क्लीन किया, खाना वाना खाने के बाद उसको सुला दी, उसके बाद मैं कैंडल कुछ बना ली हूँ उसका सोने तक,
और अभी ये सब देख रहे हैं, देखिए ये सब पूरा, और इधर कार्टून में भी है ये सब, और अभी ये सब भी मैं खोल, ये सब देखिए यहाँ पे जितना भी है। तो कल्चर्स में स्टॉल लगाते हैं ना, तो उसके लिए तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि दाम वाम सब लिख के रख दूँगी, तो जो दुकान में बैठता है तो भाई को याद रहेगा, नहीं तो फिर उसको याद नहीं रहेगा ना, फिर उल्टा उल्टा दाम में बेचने लगेगा। तो अभी सारा चीज़ मैं लिख दूँगी, तो यही सबको तैयारी करने के बाद फिर राजीव लेके आएंगे। कुछ कुछ सामान मेरा छूटा हुआ ही है कैंडल डेकोरेट का, तो शाम को फिर कैंडल में लग जाऊँगी, फिर देखती हूँ कितना बना पाती हूँ, तो कल लेके जाना है। और हम लोग का कल आगमन है ना, कल से आगमन, मैंने कल का आगमन का शुरू है, तो शुरू दिन है, तो सारा चीज़ उस हिसाब से बनाना पड़ेगा, कैंडल सब भी, तो देखती हूँ कितना बना पा रही हूँ। तो यही है, फिर ये सब करने के बाद फिर चलिए फिर ये सब साथ में मिलके। हे गाइस, तो यहाँ पे पिछला हुआ संडे, मैंने पिछला संडे का जिसे रख के लेके आई थी वैसे ही पड़ा हुआ है सामान, तो मुझको कितना कितना बिक्री हुआ वो सब सारा लिख के रखना पड़ेगा। और अभी हर एक बॉक्स में कितना कितना है, जो मैं रोजरी माला सब जो मतलब वो भी स्टॉल में हम लोग रखते हैं ना, तो वो सब कितना कितना है बोल के सबको मैंने देख चेक करके लिख के रख दूँगी, तो बाद में फिर हिसाब मिलाने में ठीक होता है ना। अब बिजनेसमैन बनने से, मैंने बिजनेस करने से ये है, एक एक रुपया को आपको हिसाब करना होता है, नहीं तो फिर हिसाब गड़बड़ होने से फिर कहाँ गया नहीं गया पैसे वाला होता है। तो इसलिए मैं सारा लिख के जाती हूँ कि दूसरा दिन आके फिर मुझको दिखे, मैंने दूसरा दिन किसी दिन भी हफ्ते में एक दिन मैं इसको खोल के चेक करके हिसाब कर सकती हूँ, ऐसा वाला होता है। तो इसलिए मैं इसको फटाफट से ये वाला रोजरी का काम निपटा देती हूँ, तो बाद में फिर कैंडल वगैरह को पकड़ेंगे शाम को, मैंने राजी पाएगा तो। तो यहाँ पे देखिए रात को मैं आप लोग से 9 बजे अभी टाइम हो रहा है, शायद 8:30-9 करीब, तो यहाँ पे हम लोग पूरा धूम धड़ाके के साथ काम लग गए हैं, काम में लग गए हैं, दोनों जन भाई लोग आए हैं, तो ये लोग भी थोड़ा हेल्प कर दे रहे हैं। और ये मेरा फुआ का बेटा है जो इधर गोरा करके थोड़ा बैठा है ना, और इस साइड में बैठा है वो भी भाई लगता है हम लोग का गाँव का। तो यहाँ पर हम लोग इस टाइप से आगमन के लिए कैंडल सजा रहे हैं, देखिए ब्लू, हम लोग का भी ना आगमन में ज़्यादातर आदमी लोग इसे ब्लू पर्पल ही खरीद रहे हैं, तो ये सब हम लोग सारा को लेके इसे ही करके जस्ट सजाने तो नहीं, अभी इसे आगमन में इसे ले रही हूँ, क्रिसमस से पहले फिर से डेकोरेट करूँगी अलग अलग डिज़ाइन, तो आप लोग को दिखाऊँगी। अभी टाइम हो रहा है रात का 9:15 लगभग हो गया है, और अभी हम लोग का धूम धड़ाके के साथ काम चल रहा है। यहाँ पे भाई लोग आया है, मेरा भाई लोग, तो यहाँ पे काम पे लगा दिए लोग को खाना वाना खिलाने के बाद, और अभी कैंडल तैयार हो रहा है, क्योंकि आज सैटरडे है, कल संडे को लेके जाना है चर्च में, तो ये सब तैयारी हो रहा है राजीव, और मेरा खाना बाकी अभी तक हुआ नहीं है। उसके बाद मैं आगमन का जो कैंडल डेकोरेट करूंगी तो आप लोग के साथ शेयर करूंगी, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल में डोरिस ब्लॉग्स में। तो शायद वो क्या बोलते हैं, आगमन का कैंडल आज तो नहीं डालूंगी, मंडे ट्यूजडे को ही देख पाएंगे आप लोग। ओके ओके, तो मिलते हैं आप लोगों से, ये लड़की आ गई है बदमाशी करने के लिए। हे गाइस, ये देखिए आज ये राजीव टोप्पू भी मेरा लेबर बन गया है, मेरा टीम में आ गया काम करने के लिए, क्योंकि लेबर कम है। यहाँ पे देखिए आगमन का कैंडल तैयारी चल रहा है, रीत का कैंडल एक्चुअली, तो उसको हम लोग बना रहे हैं इस टाइप से, तो क्योंकि अकेले रहने से ना इतना सुबह से काम का प्रेशर ना, तो दिमाग भी नहीं खटता है कभी कभी, तो इस मैंने तीनों जन को हायर की हूँ अभी काम करने के लिए, ये लोग का तीनों जन का चल ही रहा है हम लोग का काम, चारों जन का। तो ये देखिए इसको कंप्लीट होने के बाद मैं आप लोग को पूरा दिखाती हूँ। हे गाइस, तो यहाँ पे रात के बज रहे 12:15, और यहाँ पे ना मैं आप लोगों से कुछ बोल रही हूँ बट आवाज़ क्लियर नहीं आया, तो मैं म्यूट करके आप लोग से वॉइस रिकॉर्ड कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने सोने की तैयारी कर रहा है, मैं जाने वाली हूँ, सब कुछ सो गया है, तो यही है अभी रात को इतना बज गया तो सो ही गई ओबियसली, तो अभी मेरा काम था। तो यहाँ पे देखिए रूम सब ऐसे ही फैला हुआ है, तो कल साफ करूँगी, जो भी अभी सो रहे हैं वो लोग डिस्टर्ब होगा तो नहीं करूँगी, कल मॉर्निंग में ही करूँगी। हे गाइस, तो मैं अपना ब्लॉग यहीं पे कर देती हूँ एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ, जो लोग भी मेरे चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, और बेल आइकन की घंटी को भी दबाइएगा, फिर मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी। बाय बाय।